किरदार को, हर किरदार को एक क्वांटिटी में डाला जाता है। क्यों? जब वो मिक्स होती है तो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, तो उसकी सुगंध से पता चल जाता है कि यार दम है। तो आपकी सुगंध से ही पता चल जाना चाहिए कि कंपनी में दम है। समझने की कोशिश करिए आपकी सुगंध। यू आर नॉट प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, समझिए, आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। यू आर प्रेजेंटिंग योर कंपनी, आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। यू आर प्रेजेंटिंग योर कल्चर ऑफ योर कंपनी, आप अपने कंपनी के कल्चर को प्रेजेंट, एंड कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप घर से जब बाहर जाते हैं और किसी से बात करते हैं तो आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे, अपने घर के कल्चर को प्रेजेंट। तो आप फील्ड में जब जाते हैं और दूसरे को ये बोलते हैं कि तेरा प्रोडक्ट बिल्कुल खराब है, मेरा बहुत अच्छा है, तो आप अपनी कंपनी के कल्चर को प्रेजेंट करते हैं। तुम्हारा प्रोडक्ट खराब नहीं है भाई, आपका प्रोडक्ट खराब नहीं है। समझने की कोशिश, अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो हम अपने कंपनी के कल्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं। किसी को क्रिटिसाइज करने की जरूरत ही नहीं, किसी को खराब बोलने की जरूरत ही नहीं। यू जस्ट प्रेजेंट योर सेल्फ विद हाई जोश, विद हाई मोटिवेशन, विद हाई इंस्पिरेशन। जस्ट प्रेजेंट योर्स, आपको अपना प्रेजेंट कर, अपना प्रेजेंट कर। टू प्रेजेंट योर कंपनी, आपको आपकी कंपनी को प्रेजेंट करने के लिए लोगों का आप पर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। और लोग आप पे ट्रस्ट कब करेंगे? जब आप अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे, बिकॉज यू आर अ प्रोडक्ट। लोग आप पर ट्रस्ट कब करेंगे? जब आप अपने नॉलेज को सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे, बिकॉज यू आर अ प्रोडक्ट। लोग आप पर ट्रस्ट कब करेंगे? जब आप पारदर्शिता दिखाएंगे लोगों के साथ। और लोगों का आपको आप पर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कंपनी कंपनी आपके जरिए प्रमोट हो रही है। देखिए, समझने की कोशिश, कंपनी आपके जरिए प्रमोट हो रही है। और हां, अगर कभी इन नियर फ्यूचर कभी गलती हुई, लोगों ने कहा कि भाई आजकल क्या कर रहे हैं, पीपल से गलती हुई है, कभी कोई गलत कंपनी आपने कर ली थी, चार लोग गलत आपने ऐड कर दिए थे और गलत उनके साथ गलत मान लीजिए, फिर क्या करना है? अपने आप को रिवाइव करना है। देखिए, समझने की कोशिश करो, प्रोडक्ट की सर्विसिंग, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट, इसकी सर्विसिंग करनी जाकर के अगर आप ये बोलेंगे कि भाई गलती हो गई, मुझे नॉलेज नहीं था, और मुझे नॉलेज नहीं था तो मैं गलतफहमी का शिकार हो गया कि करोड़पति बन जाएंगे, एक का दो करके करोड़पति बन जाएंगे, एक का दो करके करोड़, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। समझने की कोशिश करिए, रिवाइव करना है इस प्रोडक्ट को रिवाइव करना है और लोगों को रीथिंक करने के लिए मजबूर कर देना है। देखिए, समझ लीजिए, रीथिंक आपके बारे में लोगों को रीथिंक कराइए। क्यों? यू आर ए प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट। आपके बारे में अगर लोग नहीं सोच पाएंगे तो आपकी कंपनी के बारे में नहीं सोच पाएंगे। आप जब अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी कंपनी को प्रेजेंट करते हैं। आप अपने आप को जब प्रेजेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी के कल्चर को प्रेजेंट करते हैं। जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ना, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और आपके साथ यू आर अ प्रोडक्ट एंड यू आर अ प्रोडक्ट एंड यू आर प्रमोटिंग योर कंपनी इज प्रोडक्ट, समझने की कोशिश करिए, तो कहीं ना कहीं लोग आपको कनेक्ट करते हैं उस प्रोडक्ट के साथ, आपको कनेक्ट करते हैं उस प्रोडक्ट के साथ, आपको कनेक्ट करते हैं उस प्रोडक्ट। लोग पतंजलि के साथ कनेक्ट नहीं होते, लोग बाबा रामदेव के साथ कनेक्ट। अब बाबा रामदेव कुछ भी कर रहे, कुछ भी, पीपल विल कनेक्ट विद बाबा रामदेव एंड बाबा रामदेव विल कनेक्ट विद हिज प्रोडक्ट, हिज ब्रांड पतंजलि। समझने की कोशिश करिए और तब जाके बाय डिफॉल्ट वो सेल होगा। इसलिए तो आपको सुधरना है, इसलिए तो आपको स्क्रीन पे आना है, नहीं तो हर रोज मैडम आकर के बोलती है स्क्रीन ऑन करिए, स्क्रीन ऑन करिए। आप ये सोचते होंगे कि आ रहे हैं, दो तीन बार बोलेंगे स्क्रीन ऑन करिए, फिर बोलना बंद कर देंगे। नो, यू आर ए प्रोडक्ट, समझने की कोशिश करिए। आज एक मात्र आप स्क्रीन ऑन नहीं कर रहे, समझिए, कल आप 10 लोगों को हैंडल कैसे करो, कल आप 10 लोगों के विचारों को एक साथ एक विजन के लिए रेडी कैसे, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। आपकी जो इंग्रेडिएंट्स है ना, उनमें गड़बड़ हो गई,
आपका जो प्रोडक्ट है, आप जो प्रोडक्ट है, इनके कहीं यहाँ गड़बड़ है, 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 कहीं पैरों में जाम हो गए हैं, जाम समझने की कोशिश करिए। तो डैट इज यू आर अ प्रोडक्ट, समझने की कोशिश करिए। डैट इज डोंट फॉरगेट अ बॉडी लैंग्वेज। और आप जो प्रोडक्ट है ना, आप जो प्रोडक्ट, और आपका प्रोडक्ट का सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स है आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी लैंग्वेज। वेरी वेरी एक गायिका का इंटरव्यू मैंने एक बार सुना। गायिका ने कहा कि एक बहुत बड़ा कंसर्न हो रहा था और गायिका को वहां पहुंचना था गाना गाने के लिए, 102 बुखार। देखिए समझने की कोशिश, उस कंसर्न में किसी को कुछ लेना देना नहीं था, प्रोडक्ट कौन था, गायिका, समझिए। और लोगों को नहीं लेना देना था, तुम्हें 102 बुखार हो, 101 बुखार है, कोई प्रॉब्लम। गायिका आई, 102 बुखार में भी परफॉर्म किया, झूम गई दुनिया पूरी, समझने की कोशिश करी, झूम गई दुनिया, फिट हो गया प्रोग्राम। 102 बुखार, किसी को फर्क पड़ा नहीं पड़ेगा, किसको अपने आप को रिवाइव करना पड़ेगा, अपने आप खुद, किसको अपने आप को रीथिंक करना पड़ेगा, दोबारा दोबारा रीइन्वेंट करना पड़ेगा, खुद खुद। वो अगर ये बोल देती कि 102 बुखार है, ये है, बहुत बोल सकती थी, लेकिन उस समय वो प्रोडक्ट फेल हो जाता। नेक्स्ट कंसर्न के लिए ना बहुत सोच समझ कर उसको बुलाया जाता, बोलता आएंगे तो, आएंगे तो मैडम, आप 10 बार पूछा जाता, बुखार तो नहीं है मैडम, बार बार कॉल आता, आप निकल गए मैडम, आप फ्लाइट पे, फ्लाइट मोड पे भी लगा रहे हैं लोग, अरे आउट ऑफ कवरेज चले गए, अरे आउट ऑफ, क्योंकि वो प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है, ट्रस्ट खत्म हो गया, समझने की कोशिश करिए। तो ट्रस्ट को जिंदा रख बंदे, जिंदा रख, और अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस प्रकार से बना दे, अपनी बॉडी लैंग्वेज। देखिए एक सेल्स का बंदा ना और एक आर्मी का पर्सनल, दोनों का काम एक जैसे ही। एक आर्मी का पर्सनल जो है वो बॉर्डर्स में अपने आप को गोलियां यहां खाने को तैयार हो, बॉर्डर पूरी तरह से देश के लिए समर्पित हो जाता है, और एक सेल्स का बंदा जो है वो पूरी तरह से अपनी कंपनी के लिए समर्पित हो जाता है, अपने ब्रांड के लिए समर्पित हो जाता है, क्योंकि फ्रंट में वो जाता है, और वो जब सेल होता है, वो जब सेल, तो दुनिया झुकती है माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया झुकती है। और दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, ये बिल्कुल सही, ये लाइन जो है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो शुरुआत आपके नाम से होती है, समझने की कोशिश करिए। तो आज के बाद जब अपना नाम इंट्रोड्यूस करो ना, तो जोश के साथ इंट्रोड्यूस करना, जेन्युइन के साथ ऐसा इंट्रोड्यूस करना, जब नामकरण में इतना ढोल बजा बजा के आपका नाम जो है नामकरण हुआ था, उस समय मिठाइयां बंटी थी, इस तरह से उस नाम की कदर करो मेरे दोस्तों, उस नाम की कदर करो, नाम की कदर करो, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जिस दिन आपने वो नाम की कदर करना शुरू कर दिया ना, रिवाइव करो यार, रीइन्वेंट करो यार, रिवाइव करो, रीइन्वेंट। जब भी आप कहीं बैठे हैं, प्रेजेंट योरसेल्फ विद डिफरेंट आइडेंटिटी, प्रेजेंट योरसेल्फ विद समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग है यार, इस बंदे में कुछ अलग है, या आपका बॉडी लैंग्वेज क्या बोलता है, इस बंदे में कुछ अलग। यस मैडम, नेक्स्ट। इस बंदे में कुछ अलग।